संपूति पर्युषितम चयात उच्छिष्टम अपि चामिध्यम भोजनम तामस प्रियम। अब तामसी आदमी का रजोगुण का नीचा हिस्सा ही तामस है, थोड़ा भेद पड़ेगा। तामसी भोजन के बारे में भगवान कहते हैं यात यामम, जो जिसके ऊपर याम याम कहते हैं, पुराने जो टाइम फैक्टर्स थे उनमें ये आठ याम होती थी, आठ याम 64 घड़ी। याम को प्रहर भी कहा है, अष्ट प्रहर 64 घड़ी, आठ प्रहर में 64 घड़ी हुआ करती थी पुरानी भाषा में। तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है, ऐसे 24 घंटे काउंट हुए हैं दिन और रात के। तो याम यहां कहा यात यामम, जिसके ऊपर 3 घंटे से पहले बनाया हुआ भोजन है 3 घंटे बाद खाया जा रहा है वो तमोगुण है। तमोगुणी बुद्धि देगा, तमोगुणी विकास करेगा तुम्हारा। 3 घंटे पहले बनाया हुआ भोजन। एक यहां पर विशेष छूट दिए बड़े महापुरुषों ने कि जो भगवान को अर्पण किया हुआ, भगवान को जो भोजन को अर्पण कर दिया है वो प्रसाद रूप में जो भोजन है वो चाहे 12 घंटे का भी ठंडा हो तो भी वो आपको शुद्ध बुद्धि देगा। लेकिन भगवान को जो भोजन अर्पण ही नहीं हुआ और 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पुराना है वो तमोगुणी भोजन कहलाया है। यात यामम, जिसके ऊपर एक याम एक प्रहर गुजर गया। मान लो सुबह तैयार किया भोजन 10 बजे और अभी 4 बज गए, वो भोजन आपको सतोगुणी बुद्धि नहीं देगा। ताजा भोजन होना चाहिए, 3 घंटे के भीतर भीतर किया जाने वाला भोजन होना चाहिए। इसलिए तो लोग गरम गरम भोजन खाते हैं, गरम भोजन ताजा भोजन गरम भोजन जो अभी अभी बनाया है उसका महत्व अधिक है, और जो बासी पड़ा है या अतियामम है वो भोजन जो है तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि देगा। यात्यामम गत रसम, जिसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट लेस है, स्वादिष्ट नहीं है, वो भोजन भी आपको तमोगुणी बुद्धि देगा। उधर सतोगुणी भोजन में गया रसयुक्ता रसह रश्या रश्यानी रसयुक्त, जो रसयुक्त है जूसी जूस जिसके अंदर भरा है रस यानी स्वाद। रस क्या है? स्वाद, टेस्टी। इधर कहा है जो टेस्ट नहीं है, जिस भोजन में टेस्ट नहीं है स्वाद नहीं है वो तमोगुणी है। यात यामम गत रसम पूती पर्युषितम छयत, पूती यानी बासी भोजन, बासा हो गया है, बास मारने लग गई है, पर्युषितम दुर्गंध फैल गई है, उच्छिष्टम चाप में उच्छिष्ट यानी झूठा, आपने भोजन किया और जो बच गया उसको बांध के पैक करके रख दिया, फिर दोबारा 2-4-6 घंटे में उसी को उठा के खाया, ये उच्छिष्टम। या किसी ने झूठा छोड़ दिया उसको आपने पैक करके रख दिया या उसको खाया, ये भी आपको तमोगुणी बुद्धि देगा। झूठा भोजन उच्छिष्टम, खुद का भी झूठा क्यों नहीं हो। जैसे आपने एक गिलास से पानी पी लिया और रख दिया, झूठा हो गया पानी। अब इसी पानी को आप 2-4 घंटे बाद फिर आके पियेंगे, ये पानी आपको शुद्ध बुद्धि नहीं देगा, ये झूठा भोजन है। ऐसे ही आपने भोजन किया थाली में डाल करके और आधा तो खा लिया आधा बच गया, अब इसको पैक करके आपने रख दिया फिर आके इसी को खा लिया, ये तमोगुणी बुद्धि देगा। या किसी ने दूसरे ने झूठा छोड़ दिया, चाहे वो आपका भाई हो बाप हो कोई भी हो, पति क्यों ना हो, और उस झूठे भोजन को आप खा रहे हैं वो भी आपको तमोगुणी बुद्धि देगा।
उच्छिष्टम, एक ही छूट दिए यहां पर महापुरुषों ने, संतों ने, कि गुरुजी का झूठा खा लेना, कि गुरुजी इतने ऊंचे स्तर पर हैं कि उनकी झूठ खाने से आपको बुद्धि शुद्ध आएगी, बाकी नहीं, मना किया है। उच्छिष्टम, झूठा भोजन है, तमोगुणी भोजन। उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, चामेध्य कहते हैं जो छूने लायक नहीं, जो टचेबल नहीं है, उसको छूने, अनटचेबल है, छूने का मन भी नहीं करता। सतोगुणी पुरुष जिस भोजन को छूते भी नहीं, ऐसे तो तमोगुणी तो खाएंगे ही, छू के ही, वो तो अंदर ही डालेंगे। जो छूने लायक नहीं है किनके लिए? सतोगुणी पुरुषों के लिए। सतोगुणी पुरुष मांस को छूते नहीं, हाथ नहीं लगाते, अंडे को, आमलेट को, दारू को, शराब को नहीं छूते, दूर रहते हैं कि दूर उठा भाई तू दूर कर। चामेध्यम ये है अनटचेबल, जिसको छूना भी नहीं चाहिए, ऐसा भोजन तमोगुणी भोजन है, जो छूने का भी धर्म नहीं, खून मांस इसको नहीं, सतोगुणी आदमी नहीं छुएगा। शराब को क्यों छुएगा सतोगुणी आदमी जाकर के? कोई संत महात्मा शराब को छुएगा? नहीं, वो नहीं छुएगा। या मांस को छुएगा? नहीं छुएगा। यात यामम गत रसम पूति परियुषितम चयत, उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, ये तामसी व्यक्ति को ऐसे भोजन पसंद है, प्रिय है, पसंद ही नहीं है, प्रिय है। तामसी आदमी को जो अंधकार में जीता है, तो इसमें यातियामम 3 घंटे से पहले बनाया हुआ, गत रसम जो टेस्ट ही नहीं, टेस्ट लेस, पूती जो बासी हो गया है, सड़ गया है, परियुषितम, पूती यानी बासी हो गया है, परियुषितम यानी सड़ गया है, दुर्गंध मार रहा है। बंदर भी सूंघ लेता है और खुशबू नहीं है, फेंक देता है, लेकिन तब मनुष्य है ऐसे समाज में जो दुर्गंध युक्त भोजन करते हैं। लेकिन उनको वो दुर्गंध भी सुगंध लगती है। शराब में कितनी भी दुर्गंध हो, या सिगरेट में, या हेरोइन में, या मांस में, सड़े हुए मांस में, उस दुर्गंध को भी वो सुगंध ही मानते हैं। कोई शराबी से पूछो, वो शराब की खुश, अभी तो इत्र चले हुए हैं, सेंट स्प्रे, वो शराब के नशे व शराब की स्मेल है उनके अंदर, वही चलते हैं ज्यादा, सारे संसार में वही सबसे ज्यादा स्प्रे बिकता है, इत्र सेंट, जिसमें शराब जैसी बात आ रही हो। तो समाज नीचे से ऊपर तक तमोगुण में जिएगा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। याति यामम गत रसम पूति परियुषितम चयत, उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो ये तमोगुणी अंधकार में जो जीने वाले व्यक्ति हैं, जिनका स्वभाव अंधा है, विचारधारा अंधी है, जिनकी बुद्धि अंधी है, वो लोग ऐसा ही भोजन करते हैं, अंधा ही भोजन करते हैं, तो उनका विकास कैसे होगा? अंधे अंधा ठेलिया दोनों ही कूप पड़ंत, ये तो दोनों ही कुएं में पड़ने वाले, जाके गुरुजी अंधड़े चेला खरा निरंध, जिनके गुरुजी मार्गदर्शक या सलाहकार या मित्र मंडल अंधे हैं, वो जो सलाह देंगे वो तो अंधा बनाने की सलाह देंगे, आपको अंधा ही बना डालेंगे। जाके गुरुजी अंधड़े चेलो खरो निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों ही कूप पड़ंत, तो ये कुएं में पड़ेंगे अंध कूप में, जहां काले नाग मंडरा रहे, फणकार मार रहे हैं। तमोगुणी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तमोगुणी नरक में ढकेल दिए जाते हैं, ढकेलना यानी धक्का मार देना,
उनको ये नहीं कोई विमान आता है लेने के लिए कि चलिए साहब आपने बहुत चमत्कारिक काम किए हैं, नरक में जाने के काम किए हैं, आइए आपको विमान लेके आए हैं नरक से हम लोग. नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुणी पुरुषों को नरक में धक्का मार दिया जाता है, नरक की ओर ढकेल दिया जाता है. वहां जन्म जन्म दर जन्म वो अंधकूप अंधकार में नरक में जीते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं. ऐसे असुर दुष्ट राक्षस कहलाते हैं जो अंधकार में जीवन जीते हैं, अंधकार में काम करते हैं, संसार में विष पैदा करते हैं. ये अंधतम लोग हैं, चाहे वो टेरर हो, ये चोर हो, ढाकू हो, अत्यारे हो, समाज दूषित समाज के ये लक्षण हो जाते हैं पैदा. तो इनके भोजन बिगड़ जाते हैं. आरस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रश्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया. इस सत्वगुणी मनुष्य के भोजन बतलाए भगवान ने. काटु अम्लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदायिना आहारा राजसेष्टा दुख शोकामय प्रदा. ये रजोगुणी पुरुष के दुख देने वाले, चिंता पैदा करने वाले रजोगुणी आहार हैं, बीमारी पैदा करने वाले. याति आमं गतरसं पूति पर्युषितं चयत् उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम. ये तमोगुणी पुरुष के भोजन बतलाए, सड़े बासी गंदे झूठे छूने लायक भी नहीं, ऐसे भोजन तमोगुणी पुरुष को ज्यादा पसंद आते हैं. तो तमोगुणी पुरुष हो या रजोगुणी हो या सतोगुणी हो, सतोगुणी पुरुष परमेश्वर की ओर यात्रा कर सकता है. ये जागृत प्राणी है, इसके लिए दरवाजे खुल चुके हैं. अब ये आगे बढ़े या न बढ़े, सतोगुणी पुरुष शुद्ध शुद्ध सत्व में स्थिर हो सकता है, परमात्मा की गोदी में चरणों में जा सकता है. रजोगुणी सतोगुण स्तर पर आ सकता है, तमोगुणी भी रजोगुणी स्तर को भी क्रॉस करके सत्वगुण में आ सकता है. और सत्वगुणी के लिए दरवाजे खुले हैं परमात्मा के, सिर्फ यू टर्न लेने की जरूरत है. आप चाहे हजारों मील दूर चले गए लेकिन गलत दिशा में चले गए, अभी यू टर्न ले लो. शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, स्वयं भगवान के वाक्य हैं, इनको मान लो तो आप सुखी हो जाओगे, आप तंदुरुस्त हो जाओगे, आप आनंद के धनी बनोगे, सुख के स्रोत झरने आपके हृदय से फूट निकलेंगे, सुखी सुख बरसेगा. भगवान कहते हैं कि अर्जुन जैसे भोजन तीन प्रकार का होता है, ऐसे यज्ञ दान और तप ये भी तीन 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 फैकल्टीज में बांटा है, ये भी रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी होते हैं. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु. हे अर्जुन इसे भी तो सुन, इनमें भी भेद है. यज्ञों में यज्ञ भी तीन प्रकार के बतलाएंगे भगवान, दान भी तीन प्रकार का होता है और तप भी. तप क्या है, यज्ञ क्या है और दान क्या है, ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. यज्ञ
अंग्रेजी में इसका शब्द मिलता है सैक्रिफिकेशन. जब हम कोई चीज बलिदान करते हैं भगवान के श्री चरण कमलों में न्योछावर करते हैं उसको यज्ञ कहा है. बलि देते हैं, नारियल बलि देते हैं, आहुतियां देते हैं, हवन करते हैं, उसके साथ में सुंदर भगवान का व्यंजन बना के उनको भोग लगाते हैं और आने वाले आगंतुकों को खिलाते पिलाते हैं, रिश्तेदार बंधु बांधवों को वस्त्र देते हैं, दान करते हैं. दान की महिमा है, यज्ञ की महिमा है, तप की महिमा है. यज्ञ तपस तथा दानम तेसाम भेदम, इनमें भेद है. यज्ञ तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कोई तमोगुणी यज्ञ करता है, कोई रजोगुणी यज्ञ करता है, कोई सतोगुणी यज्ञ करता है. सभी करते हैं संसार में यज्ञ, तप भी करते हैं लोग. तप करते हैं तभी तो बिल्डिंगें बनती हैं बड़ी बड़ी. तप यानी मेहनत, कड़ी मेहनत. लेकिन कोई रजोगुणी तप करता है, चले दिल्ली की ओर पद को प्राप्त करने, ये रजोगुणी तप है, बड़ा परिश्रम है. जीत गए तो वाह वाह, नहीं हार गए तो तोते उड़ जाते हैं मुंह के. या पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया तो भी तोते उड़ जाते हैं, रो पड़ता है चेहरा. तप है, मेहनत बड़ी है इसमें. कहां से जागरण शुरू करना है, कहां से प्रारंभ करनी है, कहां से लोगों को जगाना है कि भैया वोट मुझे ही देना. सब घर बार छोड़ देना पड़ता है, किधर बच्चे हैं किधर पत्नी है, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. कहां गए पापा आज 4 बजे उठ के? अरे बेटा वो वोट वालों को समझाने गए हैं कि वोट मुझे ही देना, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. ये भी तप है, ये रजोगुणी तप है, तमोगुणी तप है. तमोगुणी व्यक्ति भी तप करता है, रजोगुणी भी करता है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तीन गुणों में ये तप होते हैं. और तप की फैकल्टी भी तीन, शरीर में तीन जगह है. मन का तप है, वाणी का तप है और शरीर का तप है. तो आइए इसी संदर्भ में हम आगे प्रवेश करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी. ओम शांति शांति शांति. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेसाम वेदम इमं श्रुणु. भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भोजन जिस प्रकार से तीन प्रकार का होता है उसी प्रकार से यज्ञ दान और तप भी तीन प्रकार के होते हैं. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं शृणु. हे अर्जुन मुझसे ये भी सुन कि किस प्रकार से यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं और तप तीन प्रकार के होते हैं और दान भी तीन प्रकार के होते हैं. सबसे पहले भगवान ने आहार के विषय में बतलाया, श्रद्धा के बाद,
और अब यज्ञ के विषय में बतलाते हैं तो आइए यज्ञ के विषय में हम समझ लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है ए फलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दिष्टो ये इज्जते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय से सात्विका of sacrifices. The sacrifice performed according to the direction of scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness. इस सत्वगुण यज्ञ के विषय में कहा ऐ फलाकांक्षी जिस यज्ञ को करके आदमी को फल नहीं चाहिए कितना सुंदर यज्ञ है इसको अपना अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए कि मेरा मनुष्य जीवन में आया हूं मैं मेरा कर्तव्य है कि मैं यज्ञ करूं उस भगवान को रिझाने के लिए प्रसन्न करने के लिए मैं सैक्रिफाइसेस दूं मैं बलिदान दूं कुछ फूलों की माला चढ़ाऊं हवन करूं भोग लगाऊं आरती करूं अपने रिश्तेदारों को व्यवहारियों को मित्रों को और दूसरे दूसरे लोगों को निमंत्रित करूं बुलाऊं उनको खिलाऊं पिलाऊं सामर्थ्य है तो मैं उनको कुछ न्योछावर करूं क्योंकि इनफैक्ट वास्तव में ये सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है आपके अंदर जब भगवत भावना होती है और उस भगवत भावना से जहां जो कार्य आप करते हैं मान लो किसी ने दाना पक्षियों को डाला लेकिन डालने के समय आपका भाव यह है कि मैं पक्षियों को नहीं कबूतरों को और चिड़ियों को नहीं मैं साक्षात उस परमात्मा को ये दाना डाल रहा हूं चुगा रहा हूं प्रेम मेरा प्रेम न्योछावर कर रहा हूं इन दानों के साथ में मेरी भक्ति को मैं न्योछावर कर रहा हूं उनके चरणों में मेरे प्रेम को तो ये यज्ञ स्वरूप कहलाता है कि ये यज्ञ का स्वरूप है आप यज्ञ कर रहे हैं उस परमात्मा को रिझाने के लिए और फल की इच्छा नहीं कर रहे लोग पंछियों को दाना डालते हैं कि कोई पंडित जी ने बतलाया कि सात शनिवार तुम कबूतरों को दाना चुगा देना या कुत्तों को या काले कुत्ते को रोटी खिला देना शनि उतर जाएगा नहीं इसमें तो आपने कुछ किया किया तो अच्छा कुत्ते को भूखे कुत्ते को रोटी भी खिलाई या पंछी को दाना भी डाला या किसी भूखे को भोजन कराया या जरूरतमंद को वस्त्र दिया लेकिन ये देने के बाद आपने कुछ अभिलाषा अपने हृदय में की कि पंडित जी कहते थे कि ऐसे करोगे तो तुम्हारा शनि उतर जाएगा या एक पंडित जी कहते थे कि आप एक रुपया दोगे तो आपको 1,000 रुपया वापिस मिलेगा भगवान का जैसे वो गाते हैं ट्रेन में बंबई की ट्रेनों में कि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा नहीं ये तो फलाकांक्षी हो गया यहां यज्ञ यानी ए फलाकांक्षी जिस यज्ञ को करके आपको कोई फल नहीं चाहिए आपने अपना कर्तव्य समझ के और ये यज्ञ किया कि मैं मुझे मनुष्य भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे मानव शरीर दिया सुंदर नेत्र दिए ये धरती माता सुंदर वसुंधरा रहने के लिए दी सुंदर अन्न जल खाने पीने को दिए बरसात होती है बादल गरजते हैं खेती पैदा होती है शुद्ध बुद्धि मुझे दी भगवान ने सोचने समझने की अच्छे बुरे का ज्ञान दिया सब कुछ उस प्रभु ने मुझे दिया है मैं क्यों नहीं कुछ जो मेरे पास है उसे उनके चरणों में अर्पण करूं बलिदान करूं न्योछावर करूं पैसा है तो पैसा बुद्धि है तो बुद्धि
ज्ञान यज्ञ नहीं होता है कि फलाना महाराज संत महाराज ज्ञान यज्ञ करने जा रहे हैं सात दिन का, हरिद्वार में ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कुंभ मेले में ज्ञान यज्ञ हो रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, वो ज्ञान बांट रहे हैं, किसी के पास पैसा है पैसा बांट रहा है, वित्तीय यज्ञ धन यज्ञ कर रहा है, कोई वस्त्र बांटता है, कोई हवन करता है, कोई खिलाता पिलाता है, विष्णु यज्ञ, विष्णु यज्ञ में बहुत भोजन भंडारा लंगर प्रसाद चलाने पड़ते हैं, सबको खिलाओ जितने भी आते जाते हैं, कौवा पंछी कुत्ता भी भूखा नहीं जाए, ये यज्ञ है। न्योछावर करना, बलिदान करना, समर्पित करना, बोलने से काम नहीं चलेगा कि तन मन धन सब अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सिर्फ बोल दिया और अर्पण करने को कुछ नहीं, एक रुपया बड़ी मुश्किल से निकाल के गुल्लक में डाल दिया, नहीं, दिल खोल के, और वो भी एक रुपया डाला इसलिए कि एक रुपया डालेंगे तो पंडित जी कहते हैं कि इसका इसका हजार गुना बन के आएगा, और वो भी भगवान के चरणों में डाल रहे हैं हम, तो पता नहीं हजार गुना क्या, 10,000 गुना बन के आए, उस उद्देश्य को लेके डाला, ये फलाकांक्षी हुआ, आपने फल की आकांक्षा की, फल की इच्छा की, अभिलाषा की, नहीं ऐ फलाकांक्षी जिसमें फल की इच्छा नहीं है, ऐ फलाकांक्षी, ऐ फलाकांक्षी विरियज्ञो विधिदिष्टो यह इज्जते, जो शास्त्रों को सामने रख करके, वेदों को सामने रख करके जो यज्ञ किया गया है, यष्टव्यम एवेति मनः, जो मन को प्रसन्न करने वाला है, प्रफुल्लित करने वाला है, ऐसा यज्ञ, ये नहीं कुछ आपने किया और फिर मन दुखी दुखी हो गया कि क्या जरूरत थी, औरत पुरुष से बोल रही है, पति से, क्या जरूरत थी इतना सब करने की, कितना रुपया नष्ट हो गया खाम का, ये तो खा पी के चले गए, नहीं, ये सतोगुणी यज्ञ नहीं है, मन है प्रसन्न करने वाला, यष्टव्यम एवेति मनः, जो मन को प्रफुल्लित कर देता है, खुश कर देता है, ऐसा यज्ञ सतोगुणी यज्ञ है, यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय च सात्विका, इसको सात्विक यज्ञ कहा है, जिसमें फल की इच्छा नहीं, फलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधिदिष्टो यह इज्जते, यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विका, ऐसा यज्ञ तो सात्विक यज्ञ है, जो आपने अपना कर्तव्य समझ करके किया कि प्रभु ने मुझे मनुष्य का जीवन दिया है और समृद्ध बनाया है, जैसे भी रूपरेखा आपकी उसके अनुसार आपने कुछ न्योछावर किया उस प्रभु को, ये विराट स्वरूप प्रभु का है, उनको न्योछावर किया, बलि चढ़ाई, नरबलि नहीं या पशु बलि नहीं, नहीं नहीं, नारियल की बलि, अपने पैसे की बलि, अपनी बुद्धि की बलि, ज्ञान यज्ञ किया, अनेक यज्ञ हैं जिनका वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में भी जप यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ उसके पवित्र नामों का जप करना, यह सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, तो आप जप कीजिए भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।